नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस को जो इंस्टॉल करेंगे तो नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस प्रो इंटरनेट सिक्योरिटी टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम जेट जो इंस्टॉलेशन जो करते हैं हम लोग, क्या ये सेम विधि से किया जाता है और कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस प्रो को और हम किस प्रकार से इसको इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना है आपका जो भी सेटअप का फोल्डर होगा नेट प्रोटेक्टर का। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ देर बाद हमारे पास यहाँ पर इसके विजर्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का अनपैकेजिंग जो इसका है वो सेटअप यहाँ पर प्रोसेस पर है दोस्तों। यहाँ पर कुछ समय हमें यहाँ पर लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अपना प्रोडक्ट की को इंटर करना है ताकि जो हमारा जो नेट एंटीवायरस प्रो को इंस्टॉल कर सके। इसके बाद दोस्तों आप लोग यहां पर उसको नेस्ट कर देना है और यहां पर दोस्तों नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस प्रोटेक्शन इंस्टॉल होने जा रहा है दोस्तों, यहां से नेस्ट कर देना है। और यहां पर जो कि ISFT टर्म एंड कंडीशन कर दिया हुआ है उसको चेक मार्क वैसे ही रहने देना है और नेस्ट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों जो कि ऑटो सबमिट है जो उसको उसी प्रकार रहने देना है, नेस्ट कर देना है। और दोस्तों आप यहां पर अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हैं या CD या जो भी आपका ड्राइव है आप यहां से चेंज कर सकते हैं दोस्तों, या CD जो भी आप चाहते हो ऑप्शन में। तो यहां पर डिफ़ॉल्ट जो कि प्रोग्राम फाइल की ओर जा रहा है दोस्तों, और हम यहां पर से इसको नेक्स्ट कर देना है और इंस्टॉलेशन इंस्टॉल पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये जो इंस्टॉलिंग हो रहा है नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, अगर आपका रैम ज़्यादा रहेंगे दोस्तों तो ये जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो लंबा ना हो बल्कि मैं इसको यहाँ के पोर्शन को मैं स्किप कर दूंगा। यहाँ पर दोस्तों एंटीवायरस प्रोटेक्शन हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को रजिस्टर एंड एक्टिवेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसको हमको क्लोज कर देना है दोस्तों यहाँ से। और ये आपके पास दोस्तों आप लोगों का जो कि एंटीवायरस का लाइसेंस है यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमको यहाँ नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यूज़र नेम डालना है दोस्तों, ऑफिस या होम आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से स्टेट को सिलेक्शन कर लेना है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर लेना है दोस्तों, सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप लोगों को जो सिटी आता है उसको आपको इंटर कर लेना है। यहाँ पर डीलर कोड या डीलर मोबाइल नंबर और डीलर का नेम, और इसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ईमेल आईडी को आपको इंटर करना है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। और इसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है यहाँ से। तो ये हम लोग दोस्तों एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो चुके हैं दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो कि स्कैन मिल जाएगा दोस्तों, अपडेट का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर प्रोटेक्शन आएगा दोस्तों। बाकी इसको हम इसको एबल कर लेंगे बाद में। और तो इस प्रकार दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर से उसका लाइसेंस मिल जाएगा और कैपेबिलिटी मिल जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर रिन्यूअल के डेट यहाँ मिल जाएंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग के हेल्पफुल होगा दोस्तों। यदि इसमें नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस में आप लोगों को कोई भी परेशानी हो रहा है इंस्टॉल करने में या इसके कोई भी फंक्शन में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जो कमेंट दे सकते हैं और मैं इसका ज़रूर आप लोगों को इसका रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।